हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कारी बालक में। आज हम बात करने वाले हैं अपनी बेहद सक्सेसफुल सीरीज अनकट एक्ट्रेस के और एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है ममता गुप्ता का। हालांकि ये सोशल मीडिया पे नहीं है, पहले ये थी इंस्टाग्राम पे, बाद में इन्होंने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है। ममता गुप्ता ऑफिशियल 015 नाम से इनकी आईडी थी, जो अब बंद हो चुकी है। नाम से शायद आप इन्हें ना पहचान पाएं, मगर मैं इनके वेब सीरीज और इनके अनकट वाले सीरीज के बारे में जैसे ही बताऊंगा, आप इनको पहचान जाएंगे और काफी जाना पहचाना सा चेहरा नजर आएगा। तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी पिंक लिप्स नाम के वेब सीरीज से। उसके बाद ये नजर आती है बिग शॉट्स ऐप या नजर ऐप की नहले पे दहला और चीख जैसी वेब सीरीज पे, जो की सेंसर्ड वीडियो थी। उसके बाद ये नजर आती है चेची, हरलॉट और मदन मोहन जैसे सेमी अनकट वेब सीरीज में, जो कि नवरसा ऐप पर स्ट्रीम हो रही है। अब शायद आप लोग इन्हें पहचान रहे होंगे। काफी स्लिम सी बॉडी है, सेक्सी सा फिगर है और देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। काफी कम वेब सीरीज में काम करने के बाद अच्छी खासी पॉपुलैरिटी इन्होंने हासिल कर ली थी, मगर इनको अनकट वेब सीरीज करने के कारण बैकलैश झेलना पड़ा। इस कारण इन्होंने अपना जो अकाउंट है डीएक्टिवेट कर दिया है। हालांकि अभी आने वाले प्रोजेक्ट क्या होंगे क्या नहीं होंगे उसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। जैसे ही जानकारी मिलती है मैं आप लोगों को इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। वैसे ममता गुप्ता आपको एज अ एक्ट्रेस कैसी लगती हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लिस्ट में दूसरी मॉडल या एक्ट्रेस का नाम है ओल्गा सरोवा। ये बेसिकली रशिया से बिलोंग करती है और इंडिया में एज अ मॉडल और एक्ट्रेस काम कर रही है। नाम से शायद आप इनको भी ना पहचाने, तो मैं इनके वेब सीरीज के बारे में बता देता हूँ, तो हो सकता है एक आपको क्लियर पिक्चर बन जाए। जैसे कि फिरंगी ठकुराइन, थ्री वेव्स, लेडी हंटर, मोना 69, डर्टी इंटरटेनर और फिरंगी बहू जैसे वेब सीरीज में नजर आ चुकी जो विदेशी मॉडल है वही ओल्गा सरोवा है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो olga.sarova.official नाम से इनकी आईडी है, जहां पर मात्र इनको 7304 लोग फॉलो करते हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। वहीं ट्विटर पे इनको मात्र 504 लोग फॉलो करते हैं। वैसे विदेशी धरती पे सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत बढ़ती है और छोटे मोटे एपिसोड करके इन्हें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो ओल्गा सरोवा जो है फुल अनकट यानी पेनेट्रेशन वाले जो अनकट होते हैं उनमें उतर गई और नियोन एक्स की स्पाइसी वाइफ और ब्रोकन ब्यूटी में नजर आ चुकी हैं। वैसे वाव, मैंगो और वूवी जैसे प्लेटफॉर्म उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है और अपने एक्टर्स या मॉडल्स को उतना पे नहीं कर पाते जितना उनको जरूरत रहती है, इसलिए ओल्गा सरोवा जैसे मॉडल जो है फुल अनकट में उतर जाते हैं और अच्छी खासी इनकी फैन बेस हो जाती है। और इसके बाद ओल्गा सरोवा जो है अपने एक प्राइवेट ऐप के थ्रू परफॉर्म करने लगती है। बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारी वेबसाइट ये दावा करती हैं कि ये अनकट करने के बाद डिप्रेशन में चली गई, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर डिप्रेशन में गई होती तो अपने प्राइवेट ऐप में परफॉर्म नहीं करती। अगर आप लोगों ने ओल्गा सरोवा का परफॉर्मेंस देखा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ओल्गा सरोवा आपको कैसी लगती है। सीरीज में आखिरी एक्ट्रेस का नाम है हेमलता राजपूत। इंस्टाग्राम आईडी पे आप हेमा राजपूत /2086186 करके फॉलो करेंगे या फिर सर्च करेंगे तो आपको हेमलता राजपूत का जो आईडी है वो मिल जाएगा, जहां पर 3996 फॉलोवर देखने को मिल जाएंगे। वैसे इनकी आईडी नई है इसलिए इनके फॉलोवर भी उतने ज्यादा नहीं है। नाम से शायद आप इनको पहचान ना पाए तो मैं बता देता हूँ कि चिट्ठी और दामाद जी के सीजन 2 में नजर आ चुकी जो हॉट मॉडल है वही हेमा राजपूत है। मात्र 2 वेब सीरीज करने के बाद हेमा राजपूत ने अपना खुद का प्राइवेट ऐप लॉन्च कर दिया और उसमें अपनी एक तड़कती भड़कती सी प्राइवेट और इरोटिक वीडियो डाल दी। उसके बाद ये काफी चर्चे में आ गई थी। अगर आप लोगों ने हेमा राजपूत का वेब सीरीज या उनकी वीडियो देखी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हेमा राजपूत आपको कैसी लगती है। वैसे आज के एपिसोड में तीनों एक्ट्रेस में सबसे ज्यादा बोल्ड और सबसे ज्यादा इरोटिक कौन आपको लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस यहीं तक थी वीडियो। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।